महाभारत में आप सभी ने शिखंडी का जिक्र जरूर सुना होगा। जी हाँ, शिखंडी महाभारत का एक पात्र है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म द्वारा अपहरण कर काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा का ही दूसरा अवतार शिखंडी के रूप में हुआ था। जी हाँ, माना जाता है कि प्रतिशोध की भावना से उसने शंकर की घोर तपस्या की थी और उनसे वरदान पाकर महाराज द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। उसने महाभारत के युद्ध में अपने पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों की ओर से युद्ध भी लड़ा था। बता दें आपको कि शिखंडी के रूप में अंबा का जो था वो पुनर्जन्म हुआ था। अंबा काशीराज की पुत्री थी। उनकी दो बहनें और थीं जिसका नाम अंबिका और अंबालिका था। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर रचाया। हस्तिनापुर के संरक्षण भीष्म ने अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए, जो हस्तिनापुर का राजा भी था, काशीराज की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर से हरण कर लिया था। वहीं आपको ये बता दें कि उन तीनों को वो हस्तिनापुर ले गए। वहां उन्हें अंबा के किसी और के प्रति आसक्त होने का पता चला। भीष्म ने अंबा को उसके प्रेमी के पास पहुंचाने का प्रबंध कर दिया था। वहां से अंबा तिरस्कृत होकर लौट आई। अंबा ने इसका उत्तरदायित्व भीष्म पर डाला और उनसे विवाह करने पर भार दिया। भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा से बंधे होने का उन्होंने तर्क दिया। और वहीं आपको ये भी बता दें कि अंत में अंबा ने ये प्रतिज्ञा की कि वो एक दिन भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। उसका जन्म एक बार फिर राजा की पुत्री के रूप में हुआ। पुनर्जन्म की स्मृतियों के कारण अंबा ने पुनः अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तपस्या करना आरंभ कर दिया। भगवान षडंकर से प्रसन्न होकर उन्हें मनोकामना पूर्ण होने का वरदान भी दिया। तब अंबा ने शिखंडी के रूप में महाराजा द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। शिखंडी का जन्म पांचाल नरेश द्रुपद के घर मूल से एक कन्या के रूप में हुआ। उसके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि उसका लालन पालन एक पुत्री की तरह नहीं बल्कि एक पुत्र की तरह किया जाएगा। इसीलिए शिखंडी का लालन पालन पुरुष के समान किया गया और आज भी लोग उसे शिखंडी को पुरुष के तौर पर जानते हैं। उसे युद्ध कला और प्रशिक्षण दिया गया। कालांतर में उसका विवाह भी कर दिया गया। उसका विवाह रात्रि के दिन उसकी पत्नी के सत्य का ज्ञान हो गया और फिर उसका अपमान किया। आहत होकर शिखंडी ने आत्महत्या का विचार लेकर वो षडचाल से भाग गई। तब एक यक्ष ने उसे बचाया और लिंग परिवर्तन कर पुरुषत्व दे दिया उसे। इस प्रकार शिखंडी जो था एक पुरुष बन गया और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जीने लगा। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुरुष तत्व यक्ष को वापस कर दिया। कैसे शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण बना वो भी आपको बताते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दसवें दिन वो भीष्म के सामने आ गया, लेकिन भीष्म ने उसके रूप में अंबा को पहचान लिया और अपने धनुर्बाण नीचे रख दिए। और तब अर्जुन ने अंबा के पीछे से उन पर बाणों की बौछार लगा दी और उन्हें बाण शैया पर लेटा दिया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भीष्म को परास्त किया गया, जिन्हें किसी भी अन्य विधि से परास्त नहीं किया जा सकता था। आपको ये भी बता दें कि शिखंडी की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत में पांडवों की विजय के बाद अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के शिविर पर रात्रि में आक्रमण के दौरान शिखंडी का भी वध कर दिया गया था।
इसी वजह से शिखंडी की भी मृत्यु हुई। आशा है आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।